अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों उन फार्मर भाइयों लोगों के लिए जो हमेशा देसी मुर्गी फार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो अभी मैं जो फार्म में खड़ा हूँ वो देसी मुर्गी का फार्म है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा गार्डन करके मैं रखा हुआ हूँ, जो क्योंकि ये जो जमी था, ये जो खेती बाड़ी का जमी था, तो इसको थोड़े वेंटिलेशन के लिए मैंने अभी तक पेड़ लगा दिया है 2-3 साल पहले से। तो पेड़ लगभग अच्छे से बड़े हो गए और उस तरफ मेरा जो पोल्ट्री मुर्गी का फार्म है शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद है कि देसी मुर्गी का फार्मिंग करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उससे अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारी आप लोगों के जो नॉलेज है मेरा शेयर करूँगा। तो देख सकते हो जो अभी मेरे ये देसी मुर्गी है लगभग बड़े हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ देसी मुर्गी का फार्मिंग नहीं करता, मैं देसी मुर्गी उसके साथ साथ ये जो मुर्गी है इसको बोला जाता है पार्टनाई मुर्गी, इसका दाम थोड़ा कम होता है मार्केट में, लेकिन ये जो देसी मुर्गी आप देख रहे हो इसका दाम थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और उस तरफ जो है वो मेरा सोनाली मुर्गी है, सोनाली मुर्गी का भी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही सेट है, तो एक ही सेट के आधा मैं सोनाली मुर्गी पालन करता हूँ, आधा से ज़्यादा, और इस तरफ छोटे करके देसी मुर्गी का भी सेटअप है, क्योंकि देसी मुर्गी के जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि जब बड़े होते हैं तब तक ये जो मुर्गियाँ है समय बहुत लग जाता है देसी मुर्गी, लेकिन जो सोनाली मुर्गी है वो लगभग 4-6 महीने के अंदर अगर आप अच्छे फीड खिलाएंगे तो एक साइज आ जाती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फार्मिंग के बारे में जो फ़ायदा है, नुकसान है, मैनेजमेंट क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए कि फार्मिंग में फ़ायदे शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो एक ही बिज़नेस है फार्मिंग में आपको फ़ायदा देते हैं, वो है ये जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस है। तो मैं पोल्ट्री फार्मिंग का वीडियो में हर एक दिन डालता रहता हूँ, अभी तबीयत का थोड़ा बहुत इशू हो गया तो इसके लिए मैंने वीडियो कुछ दिन से नहीं डाला है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में 45 डेज़ का एक छोटा शेड्यूल है, 45 डेज़ के अंदर आप बाढ़ आएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर लिफ्टिंग हो जाएगा तो आपको कुछ पैसा मिल जाएंगे। अगर इसमें आप कंफर्टेबल हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग ही कीजिए, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में जो रिटर्न है वो तगड़ा आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं देसी मुर्गी से। लेकिन मैंने देसी मुर्गी क्यों रखा है, क्योंकि देसी मुर्गी में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप भीषण सोच सकते हो। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपको कुछ भी नहीं रिटर्न देगा, उल्टे घर से ही आपको बहुत सारा पैसा देना होगा। लेकिन उसके बाद अभी देख सकते हो ये जो बाढ़ है मेरा, थोड़ा बहुत मैंने बेच दिया है, तो 500 वाट था, 1000 का कैपेसिटी है इस तरफ, तो 500 वाट मैंने सेल कर दिया है और मुझे अच्छा खासा जो रिटर्न है वो मिल चुके हैं। उसके साथ साथ और एक बेनिफिट है, आप देख सकते हो ये जो अंडे है, बाढ़ ने अभी अंडे पड़ना शुरू कर दिया, तो अंडे जब देगी तो अंडे से आपको अलग से एक बेनिफिट मिल जाएगी, तो अंडे से बहुत फ़ायदा आते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत समय लेकर अगर बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप देसी मुर्गी का फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसको आप बाहर का छोड़ना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो सुबह के टाइम मैंने जो फीड है मैं खुद से फीड प्रिपेयर करके देता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मैस का फीड नहीं देता पोल्ट्री का, उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत राइस का जो दाने होते हैं, धान होते हैं, तो हर एक चीज़ जो नेचुरल है वो मैं देता हूँ। उसके साथ साथ सब्जियाँ भी बाहर है, घास है, तो ये सारे चीज़ बाढ़ इंटेक करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से उसका जो डाइजेनिक सिस्टम है वो अच्छे रहते हैं, थोड़े समय ज़्यादा लगते हैं बाढ़ को ग्रोथ होने में, लेकिन मोटालिटी वगैरह है, स्ट्रेस वगैरह है, दिक्कत वगैरह बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के बाद रिटर्न, 1.5 साल के बाद रिटर्न, ऐसा नहीं 1 साल के बाद थोड़े जो बाढ़ है उसको बेच दीजिए, उसके बाद नए ले आइए, थोड़े बाढ़ रहे बड़े बाढ़। तो इसी तरह से पूरे साल भर अगर आपका मार्केटिंग हो जाए और उसके साथ साथ आप थोड़े थोड़े करके जो लोग भी जानने लगे कि यहाँ पर एक भी मिलते हैं या फिर मुर्गी भी मिलती है, हर एक चीज़ आपको मिलते हैं, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं, अगर कोई भी सवाल है दोस्तों फार्मिंग के रिलेटेड आप कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।